यस, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपकी। अब सुनिए आगे, अब सुनिए मैं आपको क्या महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यस, अब आपको क्या महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ वो सुनिए आप ध्यान से। अभी हम लोगों ने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, अभी हमने देखा वाक्य किसे कहते हैं, तो आपको मैंने बताया शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब आगे देखिए आप, अब आगे देखिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। यस, नेटवर्क इशू के कारण से हो जाती है कभी एक बार दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, समझो। दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, देखिए हम पढ़ रहे हैं आज, हम क्या पढ़ रहे हैं आज, वाक्य। हमारा आज का टॉपिक क्या है मेरे बच्चों? वाक्य। सबसे पहले हमने क्या देखा कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य की परिभाषा में आपको बताना है, क्या बताना है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। समूह को वाक्य कहते हैं। पहला प्रश्न आपका यही बनेगा, परिभाषा वाला। पहला प्रश्न आपका परिभाषा से संबंधित पूछा जाएगा बच्चों। परिभाषा पूछी जाएगी आपसे कि वाक्य की परिभाषा बताओ, तो आप क्या बताओगे? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब दूसरा देखो, वाक्य के अंग कितने होते हैं? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो ध्यान रखना, वाक्य के अंग होते हैं दो। वाक्य के अंग होते हैं दो। पहला प्रश्न बना वाक्य की परिभाषा पूछी जाएगी आपसे, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो बताने हैं। दो अंग कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुनना आप, वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है बच्चों कर्ता और एक होता है क्रिया। एक होता है कर्ता और एक होता है क्रिया। आप लोगों के यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया है। वाक्य के अंगों के नाम बताइए, वाक्य के अंगों के नाम बताइए। पहला प्रश्न वाक्य की परिभाषा किसे कहते, परिभाषा बताइए। दूसरा प्रश्न क्या बताना है आपको? वाक्य की परिभाषा के बाद वाक्य के अंग कितने होते हैं? और तीसरा प्रश्न मैंने बनाया वाक्य के अंगों के नाम लिखिए। क्लियर है क्या तीनों प्रश्न बेटा? हो आपके बिल्कुल क्लियर होंगे जिस तरीके से आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। वेरी गुड, आप इसी तरीके से लगे बने रहिए इस वीडियो पर जिस तरीके से आप लोग अभी तक बने हुए हैं। आगे देखो मेरे बच्चों। यस सर, यस सर, ओके बेटा हो। यस, अब देखिए आगे, अब मैं आपको क्या महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। देखिए वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? देखो अभी जो प्रश्न था वो प्रश्न था वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग में आप लोगों ने देखा कि वाक्य के अंग तो कितने होते हैं? दो। लेकिन अब मेरा प्रश्न क्या है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स बताने हैं अब आपको। वहां पर आपने अंग बताए थे, अब प्रकार बताने हैं। तो देखो बेटा ध्यान रखना, वाक्य के प्रकार होते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं मेरे बच्चों तीन। वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, एक दो और ये तीन। वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। चौथा प्रश्न बन गया आपका, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। प्रश्न नंबर चार आपका बन गया है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तीन होते हैं, नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। अब देखिए आप, अब आपको क्या महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं, वो देखना बच्चों। यस, वाक्य की परिभाषा बताई थी पहले, दूसरा क्वेश्चन बताया था मैंने वाक्य के कितने अंग होते हैं, तीसरा प्रश्न बताया था मैंने वाक्य के अंगों के नाम लिखिए, चौथा प्रश्न बताया मैंने वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। अब पांचवें प्रश्न पर आ जाइए, पांचवें प्रश्न पर आ जाइए, वाक्य के प्रकारों के नाम बताइए। वाक्य के प्रकारों के नाम बताइए, पांचवा प्रश्न आ गया आपके सामने। तो वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकारों में सबसे पहले प्रकार का नाम होता है सरल वाक्य, नंबर दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और नंबर तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। नंबर तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। तीनों नाम याद कर लेना, तीनों नामों को कॉपी में लिख लीजिए आप, तीनों नामों को कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपसे पांचों प्रश्नों को पूछूंगा, देखो कौन कौन जवाब देता है। तीनों को आप नाम लिख लीजिए जल्दी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अभी तक पढ़ चुके हैं। लिख लिए क्या आप लोगों ने, जल्दी मुझे जवाब दीजिए। क्या सभी बच्चों ने ये प्रश्न लिख लिए हैं? क्या ये प्रश्न सभी बच्चों ने लिख लिए हैं? यस सर, सभी का जवाब आ गया। यस सर, ओके बेटा, दादी का खांडल, सलोनी मानव। यस सर, यस सर, प्रिया, यस सर, ओके बच्चों। अब देखो आप, अब देखिए, अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अब ध्यान सुनना आप। नंबर एक प्रश्न, पहला प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? ये तो सबको पता है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं।
शब्दों के सार्थक समूह को। लेकिन अब मेरा प्रश्न क्या है सुनना, आप ध्यान से सुनना। आप प्रश्न है वाक्य की परिभाषा, वाक्य की सही परिभाषा बताइए। अब सुनना, आप ऑप्शन लिखूंगा मैं आपके सामने, ऑप्शन देखने हैं आपको बच्चों। ऑप्शन एक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। नंबर दो, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बताइए दोनों में से कौन सा सही है। यस जवाब आ गया मेरे बच्चों का। जो जवाब है वो आ चुका है। यस, मेरे बच्चों के जवाब आ चुके हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किस किस बच्चों का क्या क्या जवाब आया है। यस, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। राधिका खांडल, दो आंसर। प्रायुष सर, दोनों ही सही है। प्रायुष नहीं बेटा, सलोनी ऑप्शन दो सही है। छवि, संधि के सार्थक समूह। प्रिया सेकंड आंसर। राधिका सेकंड ऑप्शन। मानव सेकंड ऑप्शन। छवि सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन बोला है सभी बच्चों का सही उत्तर है। क्योंकि सार्थक शब्दों का समूह अगर सार्थक नहीं होगा, जैसे मैंने आपके सामने पहली परिभाषा, पहली जो लिखी हुई है ना उसकी परिभाषा देखो, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये हमारी गलत कैसे हो जाएगी। मैंने लिख दिया जैसे राम, फिर लिख दिया मोहन और फिर लिख दिया रमेश, तो तीनों शब्दों का अर्थ है। अब इन तीनों शब्दों को मैं एक साथ लिख दूंगा तो क्या ये वाक्य हो जाएगा, क्या नहीं होगा। इन तीनों शब्दों को एक साथ लिखने के बाद इनका अर्थ आना चाहिए। राम, मोहन, रमेश, ये कैसे शब्द है? शब्दों के सार्थक तो सब है, शब्द तो सभी सार्थक है, लेकिन इन, बेटा ये माइक ऑफ कर लो, नहीं मैं बिल्कुल ऑफ कर दूंगा फिर। राम, मोहन, रमेश, ये तीनों शब्द है, लेकिन इन शब्दों के बेटा हो क्या कोई वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसलिए पहली परिभाषा हमारी गलत हो जाती है। सेकंड परिभाषा हमारी सही क्यों होती है? क्योंकि शब्द जब होंगे तो उन शब्दों का जो समूह होगा, अगर उस शब्दों के समूह का सार्थक अर्थ आता है तो वो वाक्य होगा। पहली परिभाषा क्लियर है क्या? एक बार यस सर के जवाब दो। पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? सोई तेरे को रिमूव कर दूंगी बेटा। गाड़ी घोड़े बगल में चल रहे और माइक खोल रखा बच्चे ने। यस, ओके, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है बेटा। छवि सिंह जाधव का कोई क्वेश्चन आया है क्या? छवि, यस सर, ओके बेटा, मैंने सोचा कोई प्रश्न किया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न सुनना। आप बोलना मत कोई भी, दूसरा प्रश्न। वाक्य के अंग कितने होते हैं? ऑप्शन एक, दो, नहीं आपको ऑप्शन है, अरे छवि का जवाब अभी क्या ऑप्शन नहीं दिया उससे पहले, ऐसा मत करो भाई आप लोग, नहीं आपको पिटाई कर दूंगा मैं। बताओ 2, 3, 1, 4 कौन सा सही है बताओ। 2, 3, 1, 4 छवि का आंसर, सलोनी का आंसर, 2, 2, 2, 2 वेरी गुड, 2 सब, मानव 2, प्रिया 2, यस सर बिटाओ, यस 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 यस, ओके, आयशा 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। राधिका खांडल 2 आंसर, वेरी गुड बेटा, यस। अब देखिए वाक्य के अंगों में शामिल नहीं है, वाक्य के अंगों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन 2 कर्म, ऑप्शन 3 क्रिया। बताओ कौन सा शामिल नहीं है? बताओ वाक्य के अंगों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो अब किसी का जवाब नहीं आया है। छवि का आ गया, छवि का आंसर आ गया 3, छवि का आंसर आया 3 क्रिया, केवल छवि का जवाब। सलोनी का ऑप्शन 2, यस सलोनी को ऑप्शन 2, वेरी गुड। इस बार अंतर आ रहे हैं सबकी में अंतर आ रहे हैं इस बार। कौन सा शामिल नहीं है वाक्य के अंगों में? आयशा का तीन, छवि का 1 वोट आ गया है, आयशा के 3 हो गए, यस। और बताओ राधिका का 3, वाक्य के अंगों में कौन सा अंग शामिल नहीं है? प्रायुष का 2,
और बताओ प्रिया का सेकंड, वेरी गुड, सब अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या का दो, निकिता शेखावत का दो। यस, अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी आपको बताया था मेरे बच्चों, क्या बताया था आपको मैंने, मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य के अंग होते हैं उनमें, वाक्य के जो अंग होते हैं उनके अंदर मेरे बच्चों कर्ता आएगा और क्रिया आएगा, कर्म नहीं आएगा मेरे बच्चों, कर्म नहीं आएगा। केवल अंग हम अगर पूछे जाए तो कर्ता और क्रिया दो ही अंग होते हैं, केवल दो ही अंग होते हैं कर्ता और क्रिया, कर्म नहीं आता। इसलिए सेकेंड आंसर इज राइट आंसर। छवि कोई बात नहीं बेटा, गलत आंसर आना चाहिए, लेकिन आप लोग सोच समझ के दे रहे हो, ये बड़ी बात है, सोच समझ के दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप, पांचवा क्वेश्चन है मेरा। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, दो तीन चार पाँच। छवि का जवाब आ गया, सलोनी का जवाब आ गया। यस यस यस, जवाब तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, अभी तक दो बच्चों ने जवाब दिए, एब्सोल्युटली राइट आंसर। प्रिया का जवाब आ गया, प्रिया का जवाब भी बिल्कुल सही है बेटा। यस, और बताओ और बताओ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बच्ची, ऐश्वर्या क्या कर रही है बेटा। आयशा बिल्कुल सही है, आयशा का बिल्कुल सही है, ऐश्वर्या पे गलती हो गई जल्दबाजी में। प्रायुष, प्रायुष बिल्कुल सही है बेटा, प्रायुष योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट बेटा। राधिका खांडल, अरे बेटा ये तो अर्थ के आधार पर होते हैं मेरी बच्ची, जो आपने प्रकार लिखे हैं ना वो मैंने ऑप्शन में नहीं दिए। छवि, अरे छवि ने तो आंसर के वो भी लिख दिए, प्रकारों के नाम लिख दिए। छवि पिटाई खाएगी मेरे से, वो जल्दबाजी कर रही है छवि की, मुझे लगता है पिटाई होगी अब, ऑनलाइन ऑनलाइन पिटाई होगी अब छवि की। यस, और बताइए, आठ प्रकार होते हैं ना बेटा, वो अर्थ के आधार पर होते हैं, उसे मैं अलग समझाऊंगा आपको। यस, अब सुनिए आप, अब सुनिए मेरे बच्चों, तीन आंसर बिल्कुल सही है, तीन आंसर जिन्होंने दिए वो बिल्कुल सही आंसर था। अब देखो आप, अब आपके सामने एक अंतर बताता हूँ मैं। देखो वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो एक तो होते हैं, यस, संरचना के आधार पर, एक तो किस पे होते हैं, संरचना के आधार पर, एक होते हैं मेरे बच्चों अर्थ के आधार पर, एक किसके आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर, और एक होते हैं क्रिया के आधार पर। ध्यान से सुनना बाप, अब मैं आपको बहुत मोस्ट चीज बताने जा रहा हूं। वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो तीन आधार पर होते हैं, एक होते हैं संरचना के आधार पर, एक होते हैं अर्थ के आधार पर, एक होते हैं क्रिया के आधार पर। अब सुनो इनकी संख्या, अभी जो हम पढ़ रहे थे, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो संरचना के आधार पर थे, उनके होते तीन प्रकार। कितने होते हैं, तीन प्रकार, थैंक यू सर। उनके कितने होते हैं मेरे बच्चों, तीन प्रकार। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके होते हैं आठ प्रकार, उनके कितने होते हैं, आठ प्रकार। और क्रिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके होते हैं मेरे बच्चे तीन प्रकार, तीन प्रकार। समझ में आया क्या, एक बार जवाब दो मुझे, समझ में आया क्या, एक बार जवाब दो बच्चों। राधिका, सलोनी, सभी, मानव, ऐश्वर्या, यस यस, मजे आ गए, वेरी गुड, समझ में आ गया आपके। अब मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, जवाब देना आप, बताओ अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जवाब दो। छवि का आठ है, मानव का आठ है, प्रायुष, सलोनी, ऐसा, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ प्रिया, वेरी गुड, राधिका, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अब बताओ मुझे संरचना के आधार पर कितने होते हैं। मानव, सलोनी, प्रिया, छवि, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे बच्चों, तीन प्रकार होते हैं संरचना के आधार पर, बच्चों ने जवाब दिए। राधिका का बिल्कुल सही, प्रायुष का बिल्कुल सही। अब बताओ क्रिया के आधार पर कितने होते हैं, ऐसा बिल्कुल सही, सलोनी बिल्कुल सही, छवि, मानव, तीन, तीन, वेरी गुड। तो आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं, जबकि जबकि संरचना और क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। अब देखो मैं आपको प्रकार समझाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम बच्चों, संरचना के आधार पर। यस, देखो संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य,
दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। यस, अब सुनो आप, अब सुनना मेरे बच्चों, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। यस, सरल वाक्य जो होते हैं उनमें केवल एक वाक्य होता है, ध्यान से सुनना सारी बातें। संयुक्त वाक्य जो होते हैं इसमें दो वाक्य होते हैं, मतलब एक से अधिक होते हैं, और मिश्रित वाक्य में भी एक से अधिक वाक्य होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सरल वाक्य में एक वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और मिश्रित वाक्य में भी एक से अधिक वाक्य होते हैं, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। संरचना के आधार पर पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। अब सुनिए आप, अब सुनिए, मैं आपके पास, आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, देखो ये लिखा है मैंने आपके सामने। यस, देखो ये क्या लिखा है, इधर लिखा है मैंने कर्ता, इधर लिखा है मैंने क्रिया। यस, इधर क्या लिखा है मैंने कर्ता, और इधर लिखा है मैंने क्रिया। अब सुनना ध्यान से, ब्लैक पेन से क्या लिखा है मैंने, इधर लिखा है मैंने उद्देश्य, और इधर लिखा है मेरे बच्चों विधेय, विधेय, विधेय। ये क्या है, ये वाक्य के अंग होते हैं, ये वाक्य के क्या होते हैं, अंग होते हैं, अंग। अब आप देख रहे होंगे कि सरने वाक्य के अंगों में, सरने वाक्य के अंगों में कर्ता और क्रिया बताया था, तो फिर ये उद्देश्य और विधेय कहाँ से आ गए, उद्देश्य और विधेय कहाँ से आ गए। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, ध्यान रखना मेरे बच्चों कि वाक्य के अंदर कर्ता के साथ जो भी शब्द आते हैं वो सारे शब्द मिलकर के उद्देश्य बन जाते हैं, और जितने भी शब्द क्रिया के साथ आते हैं वो सारे शब्द विधेय बन जाते हैं, वो सारे शब्द विधेय बन जाते हैं। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, कर्ता और क्रिया को उद्देश्य और विधेय क्यों कहते हैं। यस सर, यस सर, ओके। अब मैं एग्जांपल समझाऊंगा, सलोनी यस सर, राधिका यस सर, प्राइस यस सर, निकिता, आयशा यस यस। अब देखो, अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यस, अब देखो कैसे तो कर्ता उद्देश्य बनता है और कैसे क्रिया विधेय बनती है, अब हम ये देखेंगे। देखो मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा जैसे छवि, छवि, नहीं, ऐसे नहीं, एक सेकंड रुको आप, मैंने लिखा जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान छवि, छवि सुबह सुबह, सुबह सुबह बुद्धिमान छवि, सुबह सुबह, सुबह सुबह पढ़ती है, पढ़ती है। अब देखो आप, अब देखो मेरे बच्चों, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि इसमें कर्ता कौन है, तो कर्ता इसमें छवि है, सबको दिख रही है, कार्य करने वाली कौन है, छवि। और क्रिया क्या है, क्रिया पढ़ना है, क्रिया इसमें पढ़ना है। अब ये तो हो गया कर्ता, ये तो क्या हो गया कर्ता, और ये कौन हो गई क्रिया। लेकिन यहां ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं कि छवि के साथ एक शब्द आया बुद्धिमान, और पढ़ना के साथ सुबह सुबह और है, ये शब्द शामिल हुए। तब ये सारे शब्द शामिल हो जाते हैं, तो इसको कर्ता न कह करके इसको क्या कहेंगे हम, उद्देश्य, क्या कहेंगे हम, उद्देश्य। और इसको क्रिया न कह करके क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, इसको क्रिया नहीं कह करके क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, इसको क्रिया नहीं कह करके क्या कहेंगे, सबको मिला करके, वेरी गुड छवि, विधेय कहेंगे, वेरी गुड बेटा, यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब दिया सलोनी, राधिका, आयशा, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट आंसर बच्चों, इसको विधेय कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे।